कैंपस प्रोग्राम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं बाबा फरीद लॉ कॉलेज जो कि फरीदकोट विखे स्थित है। बाबा फरीद लॉ कॉलेज अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एंड एफिलेटेड टू पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। विद्या दा दारा ए कॉलेज जो कि बच्चों लिए एक वरदान है। इत्थों दे फाउंडर चेयरमैन सरदार इंद्रजीत सिंह खालसा जिन्हां दी उम्र 96 साल है अते उन्होंने अपना सारा लंबा जीवन सेवा विच लगाया है। कॉलेज विखे LLB BA LLB दे कोर्स करवाए जाते हैं। इतों पढ़ के बच्चे बहुत ही वधिया तरीके अपना फ्यूचर बना रहे हैं। साई टीम ने इतों के प्रिंसीपल सर पंकज कुमार गर्ग जी ने गलबात की जो कि बहुत ही मेहनती इंसान है और हमेशा ही स्टाफ और बच्चों को पूरा सहयोग देंगे। जेकर तुम भी अपना सुनहरी भविख बनाना चाहते हो तो बाबा फरीद लॉ कॉलेज फरीदकोट जरूर पहुँचो। आओ लेके चलते हैं तुम बाबा फरीद लॉ कॉलेज फरीदकोट। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल पर तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां बाबा फरीद लॉ कॉलेज जिहड़ा कि एक मार्गदर्शन बन चुका पंजाब के बहुत सारे विद्यार्थियों लई, हरियाणे के लिए, हिमाचल के लिए, राजस्थान के लिए। और गल कर रहे इत्थों दे प्रिंसीपल सर दे नाल। सर स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। धन्यवाद जी, सारिआं नूं सति श्री अकाल। सर वो बूटा जिहड़ा सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने बहुत मेहनत दे नाल और उस समय लगाया जदों इतों के विद्यार्थियों गंगानगर या चंडीगढ़ या बड़ी दूर दूर जाना पैंदा सीगा, जिहड़ा कि अज शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका और सैकड़े विद्यार्थी जजिज बहुत वड्डे वड्डे वकील हाई कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत तकड़ी जिहड़ी इतों की अलुमनी है। की कहना चाहोगे कि यह कॉलेज जिहड़ा निरंतर ऊंचाई वाली वधदा गया और इन्हें बहुत वड्डियां जिहड़ियां मल्लां मारियां। सब तो पहले तो मैं अपने दर्शकों नूं जो है ना यह दसना चाहवागा कि फरीदकोट के सरदार इंद्रजीत सिंह खालसा जी वालों जो है ना एक बहुत ही वधिया प्रयास है किया गया। वो आप क्योंकि फौजदारी के चोटी के वकील ने, उन्होंने जदों प्रैक्टिस छड़ी तो उन्होंने मन च यही सी कि मैं एजुकेशन राही जो है ना सोसाइटी के चेंज लै सकता है। तो बेस्ट एजुकेशन देन वास्ते, क्वालिटी एजुकेशन देन वास्ते उन्होंने चोटी का जो है ना CBSE प्लस टू स्कूल बाबा फरीद पब्लिक स्कूल इत्थे बनाया है जो बहुत वधिया सेवावां दे रहा है। इसी तरह अपने प्रोफेशन नूं भी उचारदे 2004 दे विच उन्होंने बाबा फरीद लॉ कॉलेज जो है ना शुरू किया। तो शुरुआत ही असीं जो है ना खालसा जी नाल जुड़े, मैं तो मेरे कलीग्स पहले साढ़े फाउंडर प्रिंसीपल डॉक्टर बलदेव सिंह निर्वाण जी होंदे सी। सोच यही सी कि इस इलाके दे विच जो है ना क्वालिटी लीगल एजुकेशन चाहिए है। लोग जड़े हैं ना गंगानगर या होर पासे जाते सी उत्थे उन्होंने वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती सी, इस करके प्रोफेशन दे विच बड़ी गिरावट आ रही सी। तो चेयरमैन साहब वालों जो है ना प्रयास किया गया और उन्होंने जोड़े प्रयास है, उन्होंने जी आशावं हैं उसते खरे उतरते हुए असी दिन रात मेहनत करके बच्चों वास्ते एफर्ट्स किए और अज असी मान नाल कह सकते हैं कि साडा जिहड़ा बाबा फरीद लॉ कॉलेज है पूरे पंजाब दे विच चोटी दा है। सिर्फ पंजाब दे विच ही नहीं बल्कि पंजाब तो बाहर भी इहदा एक नाम हैगा है, बच्चे दूजी स्टेटों तो भी इत्थे एडमिशन वास्ते आते हैं। सर अगर आप गल कर लिए एक प्रैक्टिकल कॉलेज है, ये थोरेटिकल तो है ही नाल प्रैक्टिकली क्योंकि ये वकील की टीम का जिहड़ा महीप जी हो गए सरदार इंद्रजीत सिंह जी हो गए वो एक बच्चों ग्रुप डिस्कशन उन्होंने बच्चों का कॉन्फिडेंस नू राइज करना वो हमेशा जिहड़ा हैगा कोई ना कोई नया सैमीनार्स कोई ना कोई नई ऐसिया चीज़ा ऐसे जिहड़े केस वो लड़ते हैं वधिया वधिया केस वो उन्होंने बच्चों के शेयर करते हैं, उन्होंने मनोबल उस वधदा और बच्चों एक पॉजिटिविटी मिलती। तुसी बिल्कुल सही कहा कि थियोरटिकल नॉलेज के नाल नाल लीगल प्रोफेशन दे विच प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वास्ते असी राइट फ्रॉम द बिगनिंग जिहड़े हैं ना मूट कोर्ट्स दा बच्चों वास्ते इंतजाम किया होया, इत्थे साडा बहुत ही आला दर्जे का मूट कोर्ट हॉल बनाया होया है, टोटली एयर कंडीशनड है, तो बच्चे उस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छी तरीके नाल जो है ना उपयोग करते हैं। साढ़े जिहड़े ट्रेनड टीचर्स हैं वो मूट कोर्ट्स दे उन्होंने आर्गूमेंट्स करना सिखाते हैं, केस तैयार करना सिखाते हैं, तो नाल नाल जो है ना उन्होंने विजिट्स भी कराते हैं, चाहे वो अपने कचहरी के नाल बच्चों जो है ना सीनियर एडवोकेट्स नाल अटैच करना है, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स की उन्होंने विजिट्स कराना है, वो टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। इस तो अलावा हर क्लास के ट्यूटोरियल पीरियड्स असी जो है ना खास तौर पर लाते हैं जिदे सैमीनार्स डीप
डिबेट्स इस तरह के जिहड़े प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स है वो निरंतर चलते रहते हैं। ये अलावा साढ़े जिहड़े कॉलेज के विच जिहड़ा सब तो वड्डा एसेट है वो साढ़े खालसा जी ने, उन्हां दे कोल एक बहुत वड्डा जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैगा इस फील्ड का, तो वह बच्चों नूं जो है ना किसी होर थां ते नहीं मिल सकता, वो आप इत्थे आ के उन इस उम्र दे विच वी जो है ना बड़े हौसले नाल अपनी एक एक जिहड़ी प्रोफेशन की गल है वो बच्चे नाल शेयर करते हैं, सांझी करते हैं, उसका बच्चे बड़ा लाभ लैके वो अगह वधदे ने। सर एक कॉलेज जिहड़ा केवल विद्या का दान ही नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज़ की गल कर लिए, गेम्स की गल कर लिए, करैक्टर बेल्ट की गल कर लिए, बॉडी लैंग्वेज की गल कर लिए, परसनैलिटी डिवेलपमेंट की गल कर लिए, एक कॉलेज एक बार जो बच्चा परमिश आता ला कर उस टाइम की बॉडी लैंग्वेज और जो करके जाता तो जमीन आसमान का फर्क वो पै जाता, क्योंकि कॉलेज के हर तरह के नालू बच्चे जोड़ा हैगा वो ग्रेसफुली किदा अगे बढ़ना हैगा, किदा गेम जाना, किदा कल्चरल एक्टिविटीज़ के जाना, उन्होंने इदा नहीं भी कला एजुकेशन या एजुकेशन भी बड़े क्रिएटिव वे पढ़ाया जाता। बिल्कुल तुसी सही दस्या जी कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बच्चों की जो है ना ऑलराउंड विकास वास्ते होर भी बहुत जी गल्लां होंदियां जो उन्हें परसनैलिटी डिवेलपमेंट के योगदान करती ने, उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हुए असं पढ़ाई के नाल नाल उन्होंने गेम्स ते कल्चरल एक्टिविटीज़ के भी पार्टिसपेट कराते हैं। साढ़े को बहुत ही वधिया वैल मेनटेन ग्राउंडस ने, तो साड़ी जिहड़ी बच्चे ने वह यूनिवर्सिटी का जिहड़ा यूथ फैसटिवल है उत्थे पार्टिसपेट करके जो है ना अपना नाँ कमा के आते हैं, तो यूनिवर्सिटी का नाँ भी जो है ना उच्चा करते हैं। साढ़े को जो है ना क्विज़ कंपीटिशन के पहला स्थान आया, तो होर ज डिबेट्स के साडे जो है ना प्राइजिज़ आते हैं, तो बहुत ही बढ़ चढ़ के बच्चे पार्टिसपेट करते हैं। गेम्स के भी बच्चे जो है ना साडे शूटिंग के चाहे क्रिकेट के दूजे जिन्हें टूरनामेंट्स होंगे हैं असं उन्होंने बहुत अच्छा मौका देते हैं। ये समाज सेवा का भाव भी इतने उन्होंने पैदा किया जाता है कि बच्चो तुसीं सिर्फ एक प्रोफेशन दे नाल नाल समाज दे नाल जुड़ोगे तो समाज की सेवा का भाव भी तुहाडे विच होना चाहिए, इस करके साडे कोल NSS की भी यूनिट हैगी है। तो इन सारे पक्षों विचारते हुए ईवन लीगल प्रोफेशन दे विच भी कि सिर्फ वकील का मतलब यही नहीं है कि तुसीं सिर्फ पैसे ही कमाना है, बल्कि जिहड़े डाउन ट्रोडनस ने जिहड़े जमीनी तौर पर जुड़े हुए हैं जिन्हां नूं अवेयरनैस नहीं हैगी है, जिहड़े कचहरी दे विच आ के फीस पे नहीं कर सकते, साढ़े इत्थे फ्री लीगल एड सैल जो है ना पक्के तौर पर जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों बनाया गया, तो असं साढ़े प्रोफेसरस उत्थे वकील जोड़े हैं बच्चे वे पार्टिसपेट करते हैं, तो टाइम टू टाइम वो जो है ना पिंड जाके अवेयरनैस कैंप लाते हैं, तो उन्होंने जागरूक करते हैं, तो अपनी सेवावान देंगे ने। सर ग्रीनरी के नाल भरिया ये कैंपस जोड़ा कि खालसा जी की हमेशा माइंड होंगे कि असी बच्चों वधिया एटमोसफेयर दईए, उन्होंने ऑक्सीजन, क्योंकि करोना के लोगों को पता चलिया कि ये ग्रीनरी की महत्ता हैगी, और ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਇੰਨੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਨਨੈਸ, ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ 2004 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਹੈ, 3-4 ਜਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦਿਓ।
मैं तो शुरू तो 2004 तो जो है ना खालसा जी नाल ते संस्था दे नाल जुड़े हुए हैं। मैं मेरा जो है ना खुशकिस्मती है कि पास आउट होने तो बाद जब मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हुई तो मैं जो है ना फरीदकोट दे भी सेवा करने का खालसा जी ने मौका दिता। तो कोशिश मेरी हमेशा ही रहती है कि जो आप एक एज ए प्रोफेसर जर्नी शुरू की तो बच्चों की जी समस्यावान है या जो आप उन्होंने वैलफेयर कर सकते हैं हर पक्षों असं उन्होंने जो है ना मददगार बनीए, उन्होंने काउंसलिंग करिए, उन्होंने सही राह पर लाइए, यूथ में जो है ना समझाइए कि यह जी उन्हों की एनर्जी है वह किमें समाज के प्रति जो है ना वो अपनी जो है ना वधिया तरीके वरत सकते हैं तो समाज में अगह लैके जा सकते हैं। जितों तक लीगल प्रोफेसन की गल है तो लीगल प्रोफेसन के भी यह जरूरी होंगे कि एक जो यूथ है यंग लॉयर है उन्होंने उही जहाँ एटमोसफेयर मिले ताकि जो है ना यह गल ना आए कि मैं जो है ना इस प्रोफेसन के आगे कुछ नहीं कर सकता। अगर वो को नॉलेज है तो डेफिनेटली जो है ना वो वर्क प्रक्योर करेगा। साढ़े खालसा का जो भी कहना है कि जो अपनी गल्ला शेयर करते हैं कि जी जो मैं स्टार्ट की अपनी जर्नी लीगल प्रोफेसन के तो हमेशा ही सुनने मिलता कि बड़े वकील ने पर उन्होंने प्रिंसीपल साहब ने उन्होंने एक ही गल समझाई सी डॉक्टर आनंद ने वो हमेशा शेयर करते हैं कि कचहरियों के जो है ना ठीक है वकील हो सकते हैं लेकिन टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट। वो हमेशा इस गल का कहते तुम मेहनत करो टॉप थोड़ी जो है ना तुम्हें उड़ीकता पाया इट इज़ वेटिंग फॉर यू और थोड़ी उड़ीक करता पाया। और एक गल होर ऐड करते हैं कि जी उन्होंने शेयर की कि जो तुम कचहरियों के एंटर करते हो तो एमटी जो है पॉकेट्स के नाल जाते हो जो शाम को रिटर्न होंगे अपने घर आते हो तो वो जी पॉकेट्स हैं वो भरी होंगी ने जिंगलिंग विद द कॉइन। तो उन्होंने प्रिंसीपल ने उन्होंने यही कहा कि माई डियर स्टूडेंट्स आई एम सेंडिंग इन द मिंट तुम्हें टकसाल के भेज रहा हूँ थोड़ी मेहनत उत्थे जाके कि कमाइया कर सकते हो कमाइया के नाल नाल जो है ना समाज के की सेवा भाव रख के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो उन सारे विचार उन सारे गलों जो है ना असं अपने स्टूडेंट के जो है ना उन्होंने पाने की पूरे प्रयास करते हैं कोशिश करते हैं ताकि वो एक अच्छे वकील बन सकन तो अपनी जिंदगी दे विच कामयाब हो सकन। जी प्लस टू के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के और CBSE के रिजल्ट जो डिक्लेयर हो चुके हैं और एक कॉलेज बाबा फरीद ला कॉलेज उन्होंने बच्चों का स्वागत करेगा जोड़े इस इंस्टीट्यूशन आवगे इस ग्रीन हरे भरे कैंपस आवगे और अपनी जिंदगी बनाएंगे की कहना चाहोगे सर। डेफिनेटली जी प्लस टू के रिजल्ट आउट हुए हैं तो असी भी वेख के बड़े हौसले हैं कि बच्चे जो है ना अपलाई कर रहे हैं हालांकि पंजाब दे विच दौर जो है ना वो दूजे ही ने कि बच्चे जो है ना प्लस टू करके जो है ना इतने रुकना नहीं चाहते बट असी मान नाल कह सकते हैं कि साढ़े कॉलेज दे विच जिहड़ी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है तो साड़ी जिहड़ी नेम एंड फेम है कॉलेज का जो उन्होंने असी प्रोफेशन दे विच जो उन्होंने मदद करते हैं तो बच्चे जो है ना ये प्रति जो है ना आ रहे हैं और एडमिशन लेने के इच्छुक ने अपलाई कर रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल खुले हुए हैं सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है ना उन्होंने कंडक्ट कर रही है तो दे आर अपलाइंग एंड वी आर होपफुल कि साड़ी जी हमेशा की तरह जी सीटा फिल होगी और ऐतके भी जरूर होगी। जी थैंक यू सर। थैंक यू जी धन्यवाद।